दिक्कत यह है जी कि ना इस दुनिया में रह सकते हैं ना इसे छोड़ सकते हैं। जाते नहीं। हाँ ये हाल जो है कोई भी हो, हाल को इस्तेमाल करना चाहिए, वरना देखो फाद बोला है जो इल्म की तक रहेगा मसला अमली है। जब कोई मसला या मिसाइल अमली तौर पर हो, आपका मतलब तकलीफ हो रही हो, अब तकलीफ यह किराए दी है उसे क्या दिया जाए कि कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब उसकी तकलीफ हो रही है उसका अमल होना चाहिए। अमली प्रॉब्लम का अमली हल और इल्मी प्रॉब्लम का इल्मी हल। दुनिया में रहना मुश्किल है, दुनिया को छोड़ना मुश्किल है, ये मसले का हल हो गया कि न रहना है न छोड़ना है। अब इसी का मतलब है कि दुनिया में न रहना है न छोड़ना है, या दूसरे फल में कहो कि दुनिया में रहना भी है और इसे छोड़ना भी है। अब ये किस तरह रहना है और इसे किस तरह छोड़ना है, मेरी बात समझा रही है आपको कि दुनिया में रहना भी चाहिए और इसे छोड़ना भी चाहिए। अब फिर आप पूछेंगे कि इसकी मिसाल और कैसे पता चले, मिसालें बुजुर्गों ने दी हैं। एक मिसाल दी है एक मिसरा कि बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, बाजार में सारे खरीदार नहीं होते, कुछ वैसे ही मुसाफरत है। कहते मैंने ये कहा मैं बाजार से गुजर जाऊँ, फिर मैंने दुकानों की तवज्जो नहीं की, खरीदार नहीं था। तो खरीदार का मसला खरीदार की नीयत था, जो गुजर गया उसे कोई दुकान लुभाएगी नहीं, कोई उसे नगाई नहीं असर करेगी, कोई उसे माशी मसला नहीं होगा, क्योंकि वो गुजर गए। मतलब यह कि भीड़ में से गुजर जाने वाला उसे क्या गिला, जिसका जेब ही नहीं था उसकी जेब कटेगी क्या। मतलब ऐसे कोई मसला नहीं है कि ठगों के इलाके से हम गुजर गए, चोरों के इलाके से गुजर गए, और चोरों का इलाका तो शैतान करेगा ना, जिसके पास कोई माल हो, जिसके पास माल ही नहीं है, माल मालक का, तेरा चोरी से क्या डर, जब माल है ही मालक का। एक इसका और बताया बुजुर्गों ने कि दरमियान का दरिया दस्ता बंदन कर दी, बाज भी गोई की दम चरण मकवन होशियार बाज के दरिया में रह सके, बाज हुक्म यह है किसमें रहो लेकिन दामन तर न हो। एक और ऐसे है कि यही कहते मिसाल कहते हैं मुर्गाबी जो है तो पानी में बतौ लगाए तो कहते हैं पार उसके गीले नहीं होते, कहती हो कैसे होता होगा आप जानते कि पानी में भी रहती है और वहां में फिर से उड़ भी जाती है। मुर्गे आबी पानी का मुर्गा है, मकसद यह है कि इस तरह उतर जाते। अच्छा बाज बात यह होता है तो और मिसाल दिए लोगों ने कि दुनिया में इस तरह रहो जिस तरह आप गरीब हो। अच्छा गरीब का माना गरीब उल वतन, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम गरीब उद्दियार हो। गरीब उद्दियार का माना होता है परदेसी। तो ये दुनिया ये देश उन लोगों के लिए परदेश है जो लोग उस देश का ख्याल रखते हैं, उनका ये परदेश है। कुछ और लोग जो है इसकी मिसाल देते हैं कि ऐसे दुनिया में रहो जैसे पिनहारन रहती है। ये पिनहारन कौन है, पानी भरने वाली, कि वो सब सहेलियों सखियों से बात करे और गागर न छलके, सब सखियों से बात करे पर ध्यान गगर के बीच, ध्यान में गागर के अंदर है, बात करते जा रहे हैं और दुनिया में मुलव्वस नहीं होना। मुलव्वस का मतलब यहाँ घूमिए जाना, दलदल में अगर ऐसे गुजर हो तो जरूरी कि तुम कपड़े खराब कर लो। मकसद यह है कि यह है सफाई कल्ब के साथ। दुनिया ये
एक ऐसी चीज है जो आपकी तरफ तवज्जो करेगी, लेकिन दुनिया को असल इसका हुस्न जानने के लिए देखो कि इसकी उम्र क्या है। बुजुर्गों ने यह भी बताया कि दुनिया जो है इसकी उम्र बहुत ज्यादा है, इसका हुस्न जो है ये आर्जी है, ये सारा मेकअप है, असल में ये बहुत कदीम चीज है। इस दुनिया में हजारों तुम से बेहतर कितने बाग जहान में अलग अलग सूख गए, कितने कितने दारा सिकंदर सारे से खा लिए। इस दुनिया से मोहब्बत जो है ये पानी ही कर देती है दुनिया। इसको ये भी बताया कि गौर से देखो कि ये दुनिया किसी का साथ वफा नहीं की है। और दुनिया के बारे में फिर ये भी कहा कि ये मुर्दार है और इसकी तमन्ना करने वाला मुर्दार खाने वाला है, उसे कुत्ता कहो गिरिज कहो गिद कहो कुछ कहो, ऐसी भी बात कही है। लेकिन बैलेंस जो है वो ये है कि आप दुनिया में काम करो, आपको मेहनत के लिए बनाया गया। अब ये गिनती की बातें दो चार, कि आपको मेहनत के लिए बनाया गया, मेहनत करना तुम्हारी जबिल्लत है, फितरत है, कुछ नहीं करोगे तब भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आराम के लिए भी बड़ा काम करना पड़ता है, मकसद आराम है तब भी काम करना पड़ेगा। अब काम की नीयत अगर उजरत भी हो तब भी उजरत जाए ये तुम्हारे मनसर की चीज है। और तुम्हारी मनसर क्या है कि इस दुनिया में से आराम से गुजर जाओ, दुनिया के अंदर जाए मुलवस नहीं होना, यहां से इस नदी से पार होना मकसद है। मकसद ऐसे अंदाज में रहो कि यहां से छोड़ना मुश्किल न हो, फैसला तुमने खुद ही करना है। जिसको दीन का नहीं पता उसे कुछ भी आदत का नहीं पता, बेशुमार चीजों का नहीं पता, एक बात का जरूर पता है कि वो चीज जो तुम्हें परेशान करती है वो न करो। ये तो हरे को बता रहे क्या परेशान हो, अब परेशानी तुम्हें बता रहे हो, वजह तुम नहीं बता रहे, वजह भी तुम्हें मालूम है कि तुम क्यों परेशान। परेशानी दो चीजों से होती है, एक वो चीज जो हम चाहते हैं और मिलती नहीं, और एक वो चीज जिसे हम अपने आप से निकालना चाहते हैं और निकलती नहीं, लाना चाहते हैं आती नहीं है, निकालना चाहते हैं निकलती नहीं है। तो इसके अंदर परेशानी, एक ऐसा अमल चसरद हो गया और उसकी याद जो है हमें परेशान कर रही है, यह परेशानी होगी, या एक ऐसी चीज हम चाहते हैं वही अभी तक हासिल नहीं हुई, तभी परेशानी होगी। इस परेशानी से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को, अपनी आरजुओं को उसके हवाले कर दो जिसके हवाले तुमने हो ही जाना है। अल्लाह ताला कहता है कि फिर तुमने हमारे पास आ जाए और फिर तुमसे कहा जाएगा कि जो कुछ हमने कहा था ये वही दिन है। इसलिए दुनिया से मोहब्बत जो है इस तौर पर ना मोहब्बत करो कि ये शदीद मोहब्बत हो जाए, दुनिया से वाजबी वाजबी इतनी मोहब्बत करो जितनी मुसाफर को गाड़ी से होती। मुसाफर जो है गाड़ी में अपनी सीट में जाता है, बैठता है और उसे पता है कि ये सीट में छोड़ जाए, बस इसके आगे गाड़ी खींच नहीं सकते तुम, ये ट्रेन है, आराम से अपनी सीट का ख्याल करो। और तुमसे पहले इस सीट पर बेशुमार मुसाफर बैठे हैं और तुम्हारे बाद इस सीट पर बेशुमार मुसाफर बैठे, तो मुसाफरत की तरह तुम अपना वक्त गुजारो। और दुनिया में अगर फिर भी बात समझ नहीं आ रही तो एक काम करो, किसी इंसान को सताओ ना, किसी काम पता फिर दुनिया में दिक्कत नहीं होगी। किसी इंसान को परेशान न करो, किसी इंसान को ना सताओ, किसी को दुख ना बचाओ, किसी का हिस्सा ना रोको, किसी का माल गसब ना करो। अगर ये बात भी समझ नहीं आती तो अपना ऐसा किसी को दे जाओ जो तुमसे ज्यादा जरूरतमंद हो, समझ आती है ना। अपना माल किसी ऐसे आदमी के दे जाओ काम में जो तुमसे कम मालदार हो, मतलब अपनी जिंदगी किसी ऐसी चीज के काम आ जाए जिसको तुम्हारी जिंदगी की तुमसे ज्यादा जरूरत हो, तो गोया कि तुम अपने आप को दुनिया में मुफीद बना लो। अगर तुमने अपने आप को मुफीद बना लिया इस इंसानों के लिए तभी दिक्कत कम हो जाएगी, तभी तकलीफ दूर हो जाएगी, तो दुनिया की तकलीफ जो है ये कम हो जाएगी। दुनिया से आफियत चाहने के लिए एक और फार्मूला है कि इसमें तस्कीन जो वजूद की है वो कम कर दो, जिसम की या तस्कीन। जिसम का मतलब क्या होता है, जिसम का मतलब होता है आराम, आराम समझते आप जानते हो डॉक्टर लोगों, हाँ आराम,
नींद, खाना, आप बच्चे पैदा करने वाली मशीन मंगवाना और मशीनों के ऊपर गौर फिक्र करते रहना, बीवियों के बारे में, शादियां, सेक्स, पेट, खाना, बेशुमार वाकयात, शोहरत और दौलत, इन बातों को कम करें। यानी कि आपने आपको इन बातों में जरा काम कर दो, आपकी पद हो जाएगी। और पैसे को इससे मोहब्बत करनी काम कर दो तो आपकी पद हो जाएगी। बस जो समझो कि पैसे के बाद जब तू अमीर हो जाएगा तो तू ही होगा, और फिर भी तुम्हें होना है, यह बात कर जाएगी। अगर गरीब है तो ये भी तू ही है। इसका मतलब है कि तू एक ऐसा इंसान बनता जा रहा है कि तेरी खुद जिंदगी तुझे भी पसंद नहीं है। गरीब दौर कुछ जिंदगी को तूने रखा हुआ है कि मैं उस जिंदगी पे जाऊंगा तो पसंद करूंगा, ये अपने आप की जिंदगी जो नापसंदीदा है ये निकाल दे, क्योंकि ये भी तू ही है। ये आपके पास समझिया बसा दोबारा समझाता कि अपनी जिंदगी को तू ये समझते हो कि ये जिंदगी फलां वक्त जाए, कुछ माल आ जाए तो ये जिंदगी मेरी खुश हो जाए, तो आप खुश करना चाहते हो। जब तक वो बाल नहीं आता तुम ये जिंदगी को परेशान किए बैठे हो, तो तेरी जिंदगी का जो परेशान हिस्सा है ये तो निकल गया, तो तेरे पास जिंदगी कौन सी रहेगी। अच्छा इंसान वो है जो अपनी जिंदगी का हर हर लम्हा अच्छा समझे, क्योंकि ये तेरी जिंदगी है। कहते नींद में हम अच्छे हैं क्योंकि ये हमारी नींद है, हम गरीबी में अच्छे हैं क्योंकि ये हमारी गरीबी है। अच्छे आदमी का हर दौर अच्छा, आपने तारीख पढ़ ली, दुनिया में देख लिया कि पैगंबर पर कोई दौर है फिर पैगंबर है, पैगंबर पर गरीबी का दौर है या फिर भी पैगंबर है, वली पर गरीबी का दौर है या बीमारी का दौर है या फिर वली है, खुश इंसान पर कोई दौर आ जाए वो खुश रहेगा, और जो गमगीन आदमी है उस पर कोई दौर आ जाए गमगीन। कहते ये मिला और ये जब मिल गया ना देखो पर दिक्कत बड़ी हुई ना ये लाने में, अब कोई ना कोई मुसीबत रहेगी। ये दुनिया ऐसी चीज है कि परेशानियों की तलाश में रहोगे परेशानी मिलेगी, और तुम यही राजी हो जाओ जो कुछ तुम्हारे पास है तो ये दुनिया तुम्हें राजी कर देगी। जहां जो कुछ है कहते एक ही तो बेटा पहले चले, एक बेटा तेरा खुश हो मुबारक हो जाए, ऐसे लोग हैं जिनके एक बेटा भी पता नहीं हो और चार बेटियां हो गई है तभी मुबारक हो, ऐसे भी लोग हैं जिनकी सात बेटी हो। आप बेटी बेचती है बेटा बेचा है, दीदी बच्चा होना चाहिए।